हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब जिस जगह पिकनिक के लिए आए हैं, इस प्लेस का नाम है चोर नगरी। लेकिन तुम लोगों को ये जान के ताज्जुब होगा कि इस जगह में कभी चोरी नहीं हुई। तो फिर इसका नाम चोर नगरी क्यों है? ये तो पता नहीं, 100 सालों से इस जगह का नाम ऐसा ही है। लेकिन इस जगह की खासियत ये है कि कोई अपने घर में दरवाजे नहीं लगाता। मैं इसीलिए तुम लोगों को ये शहर घुमाने लाया हूँ कि आज के युग में भी ऐसी जगह है जहाँ कोई अपराध नहीं होता। ओके बच्चों, आज तुम लोग यहीं रेस्ट करो, कल सुबह से हम शहर घूमने निकलेंगे। ओके सर। ओके सर। चलता। यस मो, इनी मिनी माइनी मो हमेशा तैयार रहते हैं। छोटा कद और काम बड़े, नोट कमाऊं खरे खरे। इस गांव में आज तक कोई चोरी नहीं हुई है। अब इन गांव वालों को पता चलेगा दरवाजे नहीं लगाने पर क्या होता है। इनी मिनी माइनी तैयार हो? यस मो। ओके चलो। आची, आची। सॉरी मो। चिल्लाने की आवाज आ रही है। चोर 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 पकड़ो पकड़ो चोर चोर पकड़ो 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 चोर चोर चोर। शिवा की आवाज वहां से आ रही है, चलो गांव में चलकर देखते हैं। हां चलो। Oh,
आछी आछी के भाग गए। क्या तुम लोगों ने किसी को देखा? नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। चलो वापस चलते हैं और लड्डू सिंह जी को इन्फॉर्म कर देते हैं। तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना, ठीक है? हमारे गांव में कल रात पहली बार चोरी हुई है। आपका कैंप कल से लगा और कल ही पहली बार चोरी हुई। ये झूठ है, हमने कोई चोरी नहीं की। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो चोरी नहीं कर सकते। कुछ तो गलतफहमी हुई है। सर, मैंने रात में गांव वालों की चिल्लाने की आवाज सुनी और मैं उन चोरों के पीछे गया, लेकिन वो बच के भाग गए। पर वो चोर हमारे स्कूल के नहीं हो सकते। तो फिर चोरी किसने की? चोरी मैंने की है। इसने हमारे गांव को बदनाम किया। मारो, छोड़ना मत इसे। सुनो तो, अरे पर मैंने तो पूरी बात तो सुन लेते। मैं कह रहा था कि चोरी मैंने की है, ऐसा कोई चोर खुद नहीं कहता, चोर से कहलवाना पड़ता है। ओह सॉरी सर, सॉरी, वेरी सॉरी। इट्स ओके। अगर वो चोर स्कूल के ही बच्चे हैं, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब चोरी होती है तो मैं चोर पकड़ लेता हूँ। ये तो मुझसे 50 मीटर ही दूर है। ऑल स्टूडेंट एक लाइन में खड़े हो जाओ। चलो। सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? मैं चोर नहीं हूँ सर। ओह,
तो मुझे लगा कि चोरी करने तुम गए थे। तुम सोचते हो मुझे लगा के फेस बदल लोगे तो मैं पहचानूंगा नहीं। निकालो निकालो नकली मुझे निकालो 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 निकालो। लड्डू सिंह जी, चोर इन स्टूडेंट्स में से कोई नहीं है। वो चोर हमेशा एक गाना गाते हैं, इनी मीनी माइनी मो, कैच द टाइगर बाय इट्स टो। अगली चोरी का इंतजार करना होगा। ठीक है। बच्चों, इस शहर की खास बात है कि हर मकान एक जैसा है और ये वेल प्लान्ड सिटी है। रेवा, आदि, यूडी, जल्दी इधर आओ। ये तो उसी चोर की छींकने की आवाज है। एक चोर हमेशा छींकता है। आर यू श्योर? अभी श्योर कर लेते हैं। इनी मीनी माइनी मो, कैच द टाइगर बाय इट्स टो। इफ ही बाइट्स यू लेट इट गो। इनी मीनी माइनी मो। चोर अंकल, पकड़े गए ना? बच्चे हो, बच्चे की तरह ही रहो, समझे? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। जाइए, वो चोर कोई बच्चे नहीं, ड्वार्फ्स हैं। मैंने उन्हें देख लिया है।
छोटा के डर काम बड़े, नोट कमाऊं खरे खरे, किसी को छोड़ना मत। शिवा, मैं तैयार हूँ, एक एक को भेजो। मुझे अंदर क्यों ले लिया भाई? सर, ये रहे चारों चोर। अरे मैं नहीं हूँ। क्या आप भी चोर हैं? यकीन नहीं होता। अरे मैं चोर नहीं हूँ, ये चोर पता नहीं क्यों मेरे ही पीछे पड़े हैं। प्रधान जी, ये रहे आपके चोर, शिवा ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है इन्हें। थैंक यू शिवा, तुमने हमारी बहुत मदद की। उम्मीद है अब इस गांव में फिर कभी चोरी नहीं होगी। होगी कैसे, इन्हें जेल से बाहर आने दूंगा तब ना। चलो चोर मंडला, जेल चलो। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं चोरी मत कर वरना लड्डू सिंह आ जाएगा। चलो दोस्तों, अब हम चोर नगरी में घूमने चलते हैं। अब किसी चोर का डर नहीं।